सो भाई ना मैं अपना इंस्टाग्राम मैनेज कर पा रहा हूँ, ना मैं अपना फेसबुक अकाउंट मैनेज कर पा रहा हूँ, ना मैं अपने क्लाइंट्स के अकाउंट सही से मैनेज कर पा रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरा नेटवर्क इंस्टाग्राम में और बढ़े। तो मैं 2-3 अकाउंट और खोला हूँ, बट मैं किसी भी अकाउंट को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, टाइम टाइम पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। यही चीज मुझे कल एक बंदे ने व्हाट्सएप पे कहा कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, मैं टाइम से पोस्ट नहीं कर पाता हूँ, मैं हर अकाउंट को मैनेज नहीं कर पाता हूँ। तो क्या आप बता सकते हो कि मैं कैसे पोस्ट को सही टाइम पे शेड्यूल करूँ? तो दोस्तों, यही इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप कैसे पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों को सही टाइम पे शेड्यूल कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। मतलब कि एक दिन काम कर लिए और 7 दिन के पोस्ट ऑटोमेट कर दिया, शेड्यूल कर दिया, प्लान कर दिया कि वो इस टाइम पे जाके पोस्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो किस टूल से होता है वो मैं बताऊंगा, कैसे होता है वो मैं बताऊंगा, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। बस आपको करना होगा लाइक, और आप भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और अपने क्वेश्चंस डाउट मुझे लिख कर भेज सकते हैं, जिससे मैं आपके लिए वीडियो बना के आपको सॉल्यूशन दे पाऊं। लेट्स गो। सो गाइस, ये जो टूल है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको देख सकता है सामने, राइट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक पैनी भी आपको अपने जेब से खर्च नहीं करनी है। और आप यहाँ पर फेसबुक के और इंस्टाग्राम के दोनों के पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हो, प्लान कर सकते हो और ऑटोमेट कर सकते हो, राइट। तो गाइस, सबसे पहले आपको करना यह है कि आपको अपना जो फेसबुक अकाउंट है उसको लॉग इन कर लेना है। और जब आप इंस्टाग्राम को अपने मोबाइल में लॉग इन करते हो, तो देखना वहां पर एडिट प्रोफाइल में जब जाओगे आप, तो वहां पर एक ऑप्शन आता है कनेक्ट योर फेसबुक पेज। तो वहां पर आप उसको बस कनेक्ट कर दो, तो वो आपके फेसबुक पेज में कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर आना है फेसबुक में, facebook.com/creator-studio लिखना है। तो ये जो चीज आपको सामने दिख रही है वो खुल जाएगी। अब यहां पर आप एक नहीं, आपके पास जितने भी पेजेस हैं वो सारे पेजेस मैनेज कर सकते हो, राइट। आप उनके इनसाइट्स देख सकते हो, इवन आप उनके कमेंट्स, इंगेजमेंट्स और कितना ग्रोथ हो रहा है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। शेड्यूल प्लान ऑटोमेट तो कर ही सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर राइट में दिख रहा है इंस्टाग्राम, अब इस पे क्लिक करो इंस्टाग्राम पे। तो जैसे आप इंस्टाग्राम पे क्लिक करोगे तो आपको अपना इंस्टाग्राम का भी प्रोफाइल यहाँ पर नजर आएगा। और हाँ, आप यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 जितना उतना इंस्टाग्राम अकाउंट को भी हैंडल कर सकते हो, राइट। तो क्रिएटर स्टूडियो बिल्कुल फ्री चीज है, फेसबुक की तरफ से बिल्कुल सिक्योर है, कोई भी टेंशन नहीं है। जैसे कि लोगों को टेंशन हो जाती है ना कि अलग ऐप में अगर हम लॉगिन करेंगे तो हमारा कहीं हैक ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, तो कुछ भी होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये खुद ही फेसबुक की तरफ से प्रोवाइड कराता है फेसबुक, राइट। तो इसका नाम है facebook.com/creator-studio। जैसे आप लिखोगे अपने ब्राउजर में यहाँ पर ऊपर में, तो ये खुल जाएगा, राइट। अब कैसे शेड्यूल करते हैं मैं दिखा दूँ। सबसे पहले इंस्टाग्राम के पोस्ट को दिखा दूँ, तो देखो यहाँ पर लेफ्ट में क्रिएटर पोस्ट लिखा है, क्रिएट पोस्ट। तो जैसे क्रिएट पोस्ट आप क्लिक करोगे तो यहाँ दो ऑप्शन देता है आपको, क्रिएट फीड्स और आईजीटीवी। क्रिएट फीड्स में आपको जस्ट क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ओपन हो रहा है, जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, और वहाँ से शेड्यूल कर देना है, इजी, राइट। और यहाँ से आप अपने सीधा फेसबुक को का जो पोस्ट है वही सेम पोस्ट अपने दूसरे पेज पे, अगर आपका वही सेम नेम का पेज फेसबुक पे है तो उसको भी आप वहाँ यहीं यहीं से शेड्यूल कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर आपने जो भी लिखना है वो लिख लेना है, और उसके बाद यहाँ पर ऐड कॉन्टेंट में आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर दिया है कि आपको फेसबुक से कोई चीज़ पोस्ट करनी है इंस्टाग्राम पे या अपलोड करना है फाइल, तो हमें अपलोड करना है भाई, अपलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अपलोड पे क्लिक करोगे तो यहां पर एक ब्राउजर खुल जाएगा। तो मान लो मुझे ये चीज को ये वाले को यहां पर पोस्ट करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके पोस्ट करूंगा, ठीक है, सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा, सेव, तो यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर देखो, यहां पर एक और ऑप्शन आया है, पोस्ट टू योर फेसबुक, तो इस पे आप कर दोगे तो हम भाई मुझे फेसबुक पे भी पोस्ट करना चाहता हूं, इसलिए मुझे इसको टिक करना है, ठीक है, तो मैं और शेड्यूल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही वो टाइम होगा ये ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाएगा। अब एक और चीज होता है स्क्रॉल पोस्ट, ठीक है, 1, 2, 3 पोस्ट आप डाल सकते हो एक ही फोटो में, आपको पता है जो स्क्रॉल कर करके देखते हैं। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, यहां पर एड कॉन्टेंट में जैसे ही क्लिक करोगे तो आप यहां पर और भी कॉन्टेंट एड कर सकते हो। लाइक अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको भी यहां पर ऐड कर सकता हूं, जैसे कि जैसे मैंने क्लिक किया उसको सिलेक्ट करके, तो देखो वो यहां पर आ गया। जैसे ही मैं इसको पोस्ट करूंगा दोनों एक साथ पोस्ट हो जाएगा और लोग इसको स्क्रॉल करके देख लेंगे, राइट। तो गाइस, ऐसे करके आप कर सकते हो शेड्यूल, इजी, बहुत ज्यादा इजी है। जस्ट आपको जाना है, लॉग इन करना है अपने फेसबुक में, फिर उसके बाद जाना है facebook.com/creator-studio, और वहां से आप अपने पोस्ट को ऑटोमेट कर सकते हो।
सो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें इस वीडियो को, क्योंकि आपको एक लाइक से मुझे मिलता है मोटिवेशन। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।